कहते हैं कि आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत होती है, बस आपको उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाकर सफलता हासिल की है। हम बात कर रहे हैं हमारे अपने छोटू दादाजी की। जी हाँ, जैसा उनका नाम है उनका ही उनका पद भी है। यही कारण है कि उनकी कहानी उनसे सबसे अलग बनती है। छोटू दादा का जन्म 25 नवंबर 1991 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ था। वह बचपन से कॉमेडी में बहुत रुचि रखते थे और पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। शारीरिक रूप से बौना होने के कारण गाँव वाले उनका मजाक उड़ाया करते थे, जिससे उनकी मानसिकता पर काफ़ी असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी। पर उन्होंने हिम्मत जुटाई और दुनिया की परवाह किए बिना कई सारे छोटे मोटे काम करने लगे, पर किस्मत सब मंजूर नहीं था। उन्हें हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। वह उदास थे, अपना मनोबल खो बैठे थे। उनकी छोटी हाइट की वजह से उनके मन में बस यही चल रहा था कि वह दुनिया में किसी काम के नहीं है। पर उसी समय उनकी मुलाकात गांव के यूट्यूबर वसीम से, और पहली मुलाकात में ही वसीम ने छोटू दादा के अंदर छुपे टैलेंट को पहचान लिया और अपने यूट्यूब वीडियो में काम करने के लिए बोला। यही छोटू दादा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने इस अवसर को जाने नहीं दिया और तुरंत हाँ बोल दिया। छोटू दादा ने 10 फरवरी 2017 को वसीम जी के चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। इतना वायरल हो गया कि छोटू दादा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद उनका आत्मविश्वास मानो आसमान छू रहा था और फिर उन्होंने बहुत सी वीडियो बनाई। आपको बता दें कि छोटू दादा का रियल नाम शफीक छोटू था, पर अपने मज़ेदार कॉमेडी से लोकप्रिय होने के बाद उन्हें छोटू दादा बुलाने लगे। फिर उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों और बहुत सारे कॉमेडी वीडियो के लिए काम किया। उन्होंने सब टीवी पर चिंटू बन गया जेंटलमैन टीवी शो में भी काम करने का मौका मिला, जिससे लोगों ने उसके एक्टिंग की प्रसन्नता की। आज वह एक मजे हुए कलाकार है, अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आज वो 4 बड़े यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, खानदेशी मूवीज, DSS प्रोडक्शन, JK एंटरटेनमेंट और खानदेशी फन। मैं आपको बता दूं कि छोटू दादा की कुल संपत्ति 7 करोड़ से 15 करोड़ तक है।